इजराइल के पुरावशेष प्राधिकरण ने हाल ही में 1200 साल पुरानी एक भव्य हवेली की खोज की है, जिसे प्राचीन काल के धनी लोगों के जीवन की एक अनूठी झलक देखने को मिलती है। इसकी बनावट को देखकर भी पुरातत्वविद हैरान है। बताया जा रहा है कि यह घर 8वीं या 9वीं शताब्दी के शुरुआती इस्लामिक काल का है। पुरातत्वविदों ने इजराइल के रेगिस्तानी दक्षिणी इलाके में 1200 साल पुरानी एक भव्य संपत्ति का पता लगाया, जो नेगेव इलाके के धनी लोगों के जीवन की एक अनूठी झलक पेश करती है। इसकी बनावट को देखकर भी पुरातत्वविद हैरान है। इजराइल के पुरावशेष प्राधिकरण ने हाल ही में बताया कि राहत के बेडोइन शहर में की गई यह खोज 8वीं या 9वीं शताब्दी के शुरुआती इस्लामिक काल की है। पुरातत्वविदों के मुताबिक यह आलिशान घर एक आंगन के चारों ओर बनाया गया था और इसमें रहने वाले लोगों के लिए चारों ओर कई कमरे बने हुए थे। एक काफी बड़ी जगह में पत्थर का फर्श था और उसी से दीवारें सजाई गई थीं। साथ ही हॉल का फर्श मार्बल का था। पुरातत्वविदों को वहां से कई तरह के मिट्टी के बर्तन और खाना परोसने के लिए खूबसूरत कांच के बर्तन भी मिले। प्रांगण के नीचे पुरातत्वविद पत्थर से बने भूमिगत तहखाने देखकर हैरान रह गए। इन तहखानों के बारे में कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल चिलचिलाती रेगिस्तानी धूप से दूर ठंडे तापमान पर चीजों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। ये तिजोरी नुमा तहखाने बड़ी ही सावधानी और मजबूती से बनाए गए थे ताकि लोग उनके बीच भूमिगत रूप से आ जा सकें। इन तहखानों से एक रास्ता एक कुंड की तरफ भी जाता है, जहां लोगों को ठंडा पानी मिलता होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस हवेली के मालिक समृद्ध रहे होंगे और आलिशान जीवन जीते थे। जो भी अवशेष साइट से मिल रहे हैं, उनसे ये साबित होता है कि ये घर किसी अमीर व्यक्ति का था, जिसके पास काफी कुछ था।